नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल उदीन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब फाइनली सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी M31 का सक्सेसर न्यू सैमसंग गैलेक्सी M31S को आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो दोस्तों पिछली बार के सैमसंग गैलेक्सी M31 का सक्सेसर है। तो फिर दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी सैमसंग गैलेक्सी M31S के फुल डिटेल में स्पेसिफिकेशन और प्राइस रेंज के बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों, साथ ही स्मार्टफोन में कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब दोस्तों, सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M31S के डिस्प्ले डिजाइन से शुरुआत करें तो दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको एक 6.5 इंच का इन्फिनिटी ओ डिजाइन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और साथ ही 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करें स्मार्टफोन के रियर पैनल पर मिलने वाले इंटेलीकेम कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और उसी के साथ 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों, इस फोन में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का इन्फिनिटी ओ डिजाइन वाला फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के कैमरा की सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्मार्टफोन के कैमरे में आपको सिंगल टेक फीचर देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आप एक क्लिक फोटो से कई फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S में दिए गए प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में भी आपको पिछली बार के सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरह ही एक्सिनोस 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड UI 2.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसके एक वेरिएंट में 6GB रैम बट 128GB इंटरनल स्टोरेज और वहीं दोस्तों इसके दूसरे वेरिएंट में आपको 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिससे दोस्तों आप माइक्रो एसडी के थ्रू 512GB तक इंटरनल स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करता हूं स्मार्टफोन के बैटरी पावर बैकअप की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में भी पिछले बार के सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरह ही 6000mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 25W का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी वाला सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही सैमसंग गैलेक्सी M31S में कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 4G FM रेडियो, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm वीडियो जैक, NFC और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। और वहीं दोस्तों, बात करूं इस स्मार्टफोन के प्राइस रेंज की, तो दोस्तों इसके 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 19,500 रुपये देखने को मिलती है, जबकि दोस्तों इसके 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 21,500 रुपये रखी गई है, जिसमें दोस्तों आपको मिराज ब्लू और मिराज ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप 6 अगस्त से amazon.in और samsung.com से परचेज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, साथ ही साथ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।